चुनाव से पहले भाजपा सरकार की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। एक एक करके मोदी सरकार में मुसीबतों का पहाड़ टूट रहा है। कभी टिकटों को लेकर मारामारी तो कभी नए सदस्यों के चयन को लेकर। खुद की पार्टी में बगावत झेल रही पार्टी जनता की बगावत भी झेल रही है। वहीं दूसरी ओर सियासत खबर के अनुसार राजभर आज भाजपा से अपना गठबंधन तोड़ सकते हैं। भाजपा के प्रमुख सहयोगी दलों में से एक शामिल सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी अपना सियासी रास्ता अलग चुनने की तैयारी में है। हालांकि इसका ऐलान आज होगा। सुबह सपा पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बीजेपी से अपना नाता तोड़ने जा रहे हैं। इसका ऐलान मंगलवार को ही करने वाले थे, लेकिन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने सुबह दिल्ली में उनके पुत्र अरविंद राजभर और प्रवक्ता राणा अजीत सिंह को बुलाकर यह भरोसा दिलाया कि सुबह सपा की सीटें देने के मुद्दे पर अंतिम फैसला लेकर रात तक उन्हें सूचित कर दिया जाएगा। इसके बाद ओम प्रकाश ने भाजपा से संबंध रखने का अपना फैसला बुधवार तक के लिए टाल दिया। राजभर का कहना है कि भाजपा अगर उनको सीटें देती है तो ठीक, अन्यथा बुधवार को हम भाजपा से अलग होने का ऐलान कर देंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक ओम प्रकाश के निर्देश पर ही अरविंद और अजीत रविवार को ही दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन भाजपा अध्यक्ष से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। सोमवार को सिर्फ जेपी नड्डा से ही बात हुई, जिसमें कोई फैसला नहीं हो पाया। दोनों ही देर रात तक अमित शाह से मिलने का इंतजार करते रहे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। इस पर ओम प्रकाश ने दोनों को लखनऊ लौट आने का आदेश दिया था। मंगलवार सुबह अमित शाह ने दोनों को बुलाकर भेंट की और सीटों के बंटवारे पर रात तक फैसला लेकर सूचित करने का भरोसा दिया। ऐसा न होने पर दोनों मंगलवार शाम लखनऊ लौट आए। ओम प्रकाश राजभर भी मंगलवार को यहां पूरे दिन अपने आवास पर रणनीतिकारों और समर्थकों के साथ बातचीत करते रहे। सूत्रों की माने तो ओम प्रकाश राजभर ने आगे की रणनीति पर भी काम करना शुरू कर दिया है। वह बुधवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिल सकते हैं। चर्चा यह भी है कि भाजपा से रिश्ता टूटने के बाद कांग्रेस या सपा बसपा गठबंधन के साथ जा सकते हैं। राजभर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीम मायावती के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी व महासचिव प्रियंका से दो दौर की बात भी कर ली है। सूत्रों का मानना है कि राजभर तो सपा बसपा गठबंधन के साथ जाना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग राजभर को कांग्रेस के साथ जाने के लिए बोल रहे हैं। दरअसल सपा बसपा गठबंधन में तो 2-3 सीटें ही मिलने की बात कही जा रही है, जबकि कांग्रेस ने 6-8 सीटें देने की संभावना जताई है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें, ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।